abuelo. El niño, niño, para que me llame abuelo. Para que me llame. Para que me llame. कल तो मैं सिल्क की ही साड़ी पहनूंगी और वो भी सिर्फ 5 मिनट में. चलो इनको तो मैं बाद में देख लूंगी. चलो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम सिल्क साड़ी को जल्दी से पहन सकते हैं. फटाफट से कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे. उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कुछ सेफ्टी पिंस और आपकी साड़ी. ठीक है, आपको अपनी साड़ी ले लेनी है आयरन करने से पहले. जब भी आपको टाइम हो या तो उसी दिन या फिर एक दिन पहले भी आप उसको रेडी करके रख सकते हैं. अपना पेटीकोट पहन लीजिए और साड़ी ले लीजिए. उसके बाद हम साड़ी को टक करना स्टार्ट करेंगे अपना राइट साइड से. जैसे नॉर्मली हम साड़ी पहनते हैं वैसे ही अपनी जो भी लेंथ आपको फाइनल लुक में पहननी है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको टक करेंगे ऐसे करके साइड में और बैक से टक करके. बहुत फिनिशिंग की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ रफली एक बार करना है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा जहां से प्लीट स्टार्ट होनी है वहां पे हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे. एक सेफ्टी पिन लगा के और इसको छोड़ देंगे. जो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया नेवल के जस्ट नीचे वाला, यहाँ पे हमें एक सेफ्टी पिन लगा के रख लेनी है. अभी प्लीट नहीं करना है, सिर्फ सेफ्टी पिन लगा के ये एक हमारा निशान हो गया कि हमें यहाँ से प्लीट स्टार्ट करनी है. उसके बाद हमें क्या करना है, अपना कुछ फैब्रिक छोड़ के और पल्लू की लेंथ मेजर करनी है. जैसे हम नॉर्मली साड़ी पहनते टाइम करते हैं ना वैसे ही. अगर आपको प्लीटेड पल्लू चाहिए तो आप पल्लू को थोड़ा लंबा रख सकते हैं और अगर आपको ओपन चाहिए तो थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं. जैसे अभी थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी. इतनी लेंथ बिल्कुल सही है. ठीक है, उसके बाद हम जहाँ पे हमारा शोल्डर पे पल्लू आ रहा है वहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे. ये भी एक मार्क की तरह ही यूज़ होगी कि हमारा यहाँ से शोल्डर की प्लीट स्टार्ट रहेंगी या शोल्डर पल्लू स्टार्ट होगा. तो अगर हमें शोल्डर को भी प्लीट करना है तो हम इससे आगे वाला पोर्शन करेंगे. अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको भी यहाँ पे ले आएंगे और एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे. अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक प्लीट स्टार्ट होने वाला और एक प्लीट खत्म होने वाला. तो दोनों पे हमने पिंस लगा ली है, साथ ही हमने शोल्डर वाले पॉइंट पे पिन लगा दिए. अब हम साड़ी को निकालते हैं और प्रेस के लिए लेके चलते हैं. अब हमें क्या करना है, जो साड़ी का पल्लू वाला एरिया है वहाँ पे अगर हमें प्लीटेड पल्लू रखना है तो उसमें प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है. सबसे बाहर वाला जो वो है उसको सबसे ज़्यादा रखेंगे, बाकी अंदर वालों को थोड़ा सा कम रखेंगे. और ये जो प्लीट्स हैं इनको हमें जो पिन लगाई थी वहाँ तक बनाना है. पहले एक बार हम प्लीट्स बना लेंगे फिर हम उनको प्रेस से सेट कर लेंगे. तरीके से प्लीट्स बनाने के बाद हम उनको प्रेस से सेट करते चले जाएंगे. ऐसे ही आपको जो पूरी प्लीट्स हैं इनको जहां पे हमने सेफ्टी पिन लगाई थी पल्लू के लिए, ये वाला एरिया है यहां तक ऐसे ही प्लीट्स को सेट कर लेंगे. अब मैंने जो पिन वाला एरिया है वहां तक इस पे पूरा प्रेस कर दिया है. अब क्या करना है, हम इस पिन को निकाल लेंगे और सारी प्लीट्स के साथ इसको पिन कर देंगे. अब बात करते हैं फ्रंट वाली प्लीट्स की. जो हमारा पल्लू है वो रेडी हो गया है, पूरी प्लीट्स बन गई हैं. देखिए अब हमें क्या करना है, हमारी फ्रंट वाली प्लीट सेट कर लेनी है. इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि जो प्लीट्स हैं वो खराब ना हो. ऐसे फोल्ड करके साइड में. अब ले लेते हैं हम अपना
प्लीट्स वाला जो फ्रंट प्लीट्स है वो वाला एरिया, उसमें हमें अपनी फर्स्ट पिन और लास्ट पिन ढूंढनी है। ये हमारी लास्ट पिन है और ये हमारी फर्स्ट पिन है। अब हम इसको प्लीट करना स्टार्ट करेंगे, इनको बाद में निकाल लेंगे। प्लीट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको बड़ी छोटी जैसी भी रखनी है, एक बार रफली प्लीट्स बना लेंगे। वहां तक बनाएंगे जहां पे हमारी दूसरी वाली सेफ्टी पिन आएगी। ये आ गई हमारी दूसरी वाली सेफ्टी पिन। उसके बाद हम इसको अच्छे से एक बार सेट करके फिर प्रेस करेंगे। अच्छे से जो प्लीट्स है उनको अच्छे से झाड़ झाड़ के हमें सेट करना है, ताकि अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड ना रह जाए। हमारी सारी प्लीट सेट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा बिल्कुल सेम लेवल पे करेंगे। प्लीट्स को ऐसे सेट करने के बाद हम हमें इसको भी प्रेस कर लेना है अच्छे से। जितनी भी प्लीट्स हैं उन पे एक बार एज पे अगर हम प्रेस कर लेंगे तो वो अच्छे से सेट रहेंगी, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। तो एक दो लेयर्स हटा के आप उन पे नीचे वाली प्लीट्स पे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सब प्लीट्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। प्रेस होने के बाद साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगी। जितनी चाहें आप पिंस लगा के उसको रख सकते हैं, और जो पल्लू है वो इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब हमें इसको प्रेस फोल्ड करके रख लेना है हैंगर में, ठीक है। फिर जब भी आपको रेडी होना है साड़ी को लीजिए, उसका स्टार्टिंग वाला पल्लू अपना टक कर लीजिए जैसे नॉर्मली हम साड़ी में करते हैं। उसके बाद हम प्लीट्स वाला एरिया लेंगे और उसको भी अंदर टक इन कर लेंगे। अच्छे से थोड़ा सा जो रिंकल्स वगैरह हैं उनको हटा के टक कीजिए, और टक करने के बाद हम फिर बाकी के फैब्रिक को पीछे से घुमाएंगे। इसको पीछे से घुमा के और जो हमारी शोल्डर वाली प्लीट्स हैं उनको शोल्डर पे प्लेस कर लेंगे। एक बार ये हो गया, उसके बाद जो लूज फैब्रिक है उसको हम वापस से प्लीट्स के नीचे डायगनली पिनअप कर लेंगे या फिर अंडर टक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो साइड वेस्ट है उसको शेप मिल जाएगी। देखिए कितनी जल्दी हमारी साड़ी ड्रेप हो गई है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम सिल्क साड़ी को इतना जल्दी ड्रेप कर सकते हैं। अब हम एक बार हल्की सी फिनिशिंग कर लेंगे और वी आर रेडी टू गो। पिंस वगैरह लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे और सब कुछ रेडी है। देखिए कितनी जल्दी साड़ी ड्रेप हो गई है। अब मैं तो चली पार्टी में, कहीं फोटोशूट के चक्कर में लेट ना हो जाऊं, और आप इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को, और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स तो दे ही दीजिएगा। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम।